अगर आप एक स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट एथलीट या स्नीकर हेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मेरी टॉप 3 पिक्स ऑफ स्पोर्ट्स शूज अंडर 5000, स्टार्टिंग फ्रॉम लोएस्ट टू द हाईएस्ट प्राइस। सो फर्स्ट अप वी हैव दी शूज फ्रॉम कल्ट स्पोर्ट। नाउ आई एब्सोल्युटली लव दी शूज एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस दैट देयर इज अ लॉट टू लव अबाउट दी शूज, स्पेशली फॉर समवन लाइक मी जिसके ट्रेनिंग बैकग्राउंड्स अलग अलग है, बॉडी बिल्डिंग, मार्शल आर्ट्स, हर टाइप की ट्रेनिंग होती है। तो इन शूज़ का सबसे बढ़िया फीचर है इनका अपर मैश। ये काफ़ी ज़्यादा ब्रीदेबल है, स्पेशली जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो काफ़ी हीट जनरेट करती है बॉडी, स्वेटिंग होती है, तो उसमें आपको बिल्कुल डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होगा। और सिर्फ कम्फर्ट की बात नहीं है, ये ब्रीदेबल अपर मैश प्रमोट्स बेटर फुट हेल्थ बिकॉज ये बैक्टीरिया और वायरसेस को अंदर आने से रोकता है जो पाँव की बदबू और दूसरे प्रॉब्लम्स की वजह से बन सकते हैं। तो ये शूज़ काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, इट ऑलमोस्ट फील लाइक रनिंग बेयर फुट बट विद ऑल द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट दैट अ क्वालिटी रनिंग शू नीड्स। और इसके अलावा इन शूज़ की कुशनिंग भी नेक्स्ट लेवल है। कुशनिंग सिस्टम फुट पर प्रेशर को बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है जिससे आपको थकावट भी कम होगी, स्पेशली लॉन्ग रन या इंटेंस वर्कआउट्स के दौरान। तो आप इन शूज़ का डिज़ाइन भी देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है देखने में, काफ़ी यूनिकली स्टैंड आउट करते हैं। तो पिछले कुछ हफ्तों से तो मैं यही शूज़ यूज़ कर रहा हूँ अपने मेरे रनिंग के लिए या फिर मेरे नॉर्मल ट्रेनिंग वर्कआउट्स के लिए एंड दे हैव बिन माई गो टू शूज़ एज ऑफ नाउ। दे आर परफेक्ट फॉर ट्रेनिंग एंड एवरी डे यूज़ ऑन एनी सर्फेस। ये सच में ऑलराउंडर है। मेरा एक और मेन रीज़न इन जूतों को खरीदने का था कि ये जूते इंडिया के लिए बने हैं। तो यार ग्रेट क्वालिटी, ग्रेट कम्फर्ट एंड एक बहुत बढ़िया डिज़ाइन, ये सब आपको मिलेगा 2800 में। इट्स अ स्टील डील। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई फेवरेट पेयर ऑफ रनिंग शूज़, एडिडास एडिशॉट एम। ये शूज़ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए एक गेम चेंजर है। इन शूज़ की सबसे खास बात है इनकी चंकी बूस्ट मिडसोल जो मेरे रनिंग एक्सपीरियंस को एक नया मोड दे देती है। इसकी वजह से पैर पे कम दबाव पड़ेगा एंड रनिंग विल ऑल्सो फील अ लॉट मोर कम्फर्टेबल। इसके साथ ही इसके आउटसोल का डिज़ाइन भी बहुत सही है जो एक हाई ट्रैक्शन पैटर्न है जिससे मेरी स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। ये डिस्टिंक्टिव डिज़ाइन की वजह से ये शूज़ एक एक्सीलेंट ग्रिप प्रोवाइड करता है विच इज़ ग्रेट फॉर माई लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। तो मेरे गिरने के या स्लिप होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। विद अ केयरफुली कंसिडर्ड हील टू टो ड्रॉप दी शूज़ प्रोवाइड एन आइडियल बैलेंस बिटवीन सपोर्ट एंड नेचुरल मूवमेंट एंड आई गॉट दी शूज़ फॉर ₹3999। नेक्स्ट अप वी हैव दीज शूज़ फ्रॉम नाइकी सिटी रेप टीयर। तो मैं जब भी मैं ये शूज़ पहनता हूँ आई फील कम्फर्टेबल थ्रू आउट ऑल माई ट्रेनिंग सेशन, चाहे वर्कआउट कितना भी इंटेंस या लाइट क्यों ना हो। ये शूज़ इंडोर वर्कआउट्स के लिए परफेक्ट होने के साथ साथ स्टाइलिश भी है, पर मैं पर्सनली ना आउटडोर वर्कआउट के लिए प्रेफर नहीं करता क्योंकि इनके जल्दी खराब होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। साथ ही साथ दे कम विद प्लश कुशनिंग जो सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट रिड्यूस करता है और आपके फीट और जॉइंट्स को स्ट्रेन फ्री रखने में मदद करता है। मेरी मानो तो इंडोर वर्कआउट्स के लिए एकदम आइडियल शूज है। Having said this, these shoes are slightly similar to the Cultsport वाले शूज बट जस्ट ऑन द प्राइस साइड। ये शूज आप खरीद सकते हैं फॉर ₹4995। तो गाइस विद दैट वी रीच द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। ये थी मेरी टॉप 3 पिक्स फॉर बेस्ट स्पोर्ट शूज अंडर ₹5000। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि कौन सा शूज आप प्रेफर करोगे। एनीवे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।